ये वेडर को क्या बोलो, जब भी ब्लॉग बनाने के लिए करता है तो यहाँ पे ऐसे होते रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी इस्तेत हुदे। आज हम लोग इस्तेत हुदे मनाएंगे चंडीगढ़ में। हम लोग दो कॉलेज एक साथ मना रहे हैं, स्पेशली ये क्वेस्ट और डॉल्फिन कॉलेज, जो एक साथ हम लोग मनाएंगे आज इस्तेत हुदे। हम लोग सुन्नी में, सुन्नी बोल के वहाँ में एक लोकेशन है, वहाँ में मनाएंगे। हम लोग हॉस्टल से सुन्नी जाने के लिए 10 मिनट ऐसे कुछ लगते हैं ऑटो से जाने से। मेरे दोस्त ऊपर निकल चुका है, अभी मैं लेट हो गया है। उन लोग काम को भी पहुँचना है जल्दी जाने के लिए। अभी उन लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, हमको थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हमको निकलना है। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज तो अच्छा लगा है, जल्दी तो मिल गया है ना। चुन्नी जाने के लिए जल्दी मिल गया। हम लोग जो पास टाइम जाते समय को हम लोग यहाँ में बहुत वेट करना पड़ा था, लेकिन आज डायरेक्ट आते ही गेट से निकलते ही इधर, यहाँ से निकलते ही इधर क्या, मेरे को यहाँ में आज ऑटो मिला है। अभी भी पूरा फोगी फोगी है, बिल्कुल व्यू को आप लोग को दिखाने नहीं पड़े। देखो ना, अभी देख सकते, अभी सारी नो हो चुका है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं, अभी भी पूरा फोगी फोगी। ओके, we're flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world. Alright guys, finally हम लोग सुन्नी में आ गया है। अभी हम लोग एक तो सुन्नी का घर में जाएंगे, वहाँ में तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ में जहाँ में लोकेशन है वहाँ में जाएंगे। आज हम लोग का टाइमिंग है प्रोग्राम का 9:30 AM से स्टार्ट होगा, और इधर 8:30 को टा, लेकिन हम लोग आज लेट हो गए हैं। गेहूँ जो आटा से बनता है, आटा तो गेहूँ से बनता है, तो प्लीज गेहूँ आटा बनता है। पसंग फाइनली हम लोग आ गए हैं अपना लोकेशन में। अभी थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, अभी तक तो प्रोग्राम जो स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। और गेट फाइनली हम लोग का शिप गेट आ गया है। Respected our honorable chief guest, Sri Kamaljit Singh ji, Sarpanch of Sunni Kalan, and all my dear friends, those who gathered here today. So, first of all, I would like to thank our organizing chairman and committee member for giving me this opportunity, and all my dear friends. And I would also like to thank all of you for gathering here today on this auspicious occasion of 35th anniversary of Statehood Day celebration. आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैं इस दिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अवसर पर हमारे बीच आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। और दोस्तों, अभी ये जो है हम लोग का आज का शिप गेस है। सबसे पहले तो आपको बहुत ही धन्यवाद यहाँ में अब हम लोग का इतने हुदे में आने के लिए। एंड सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ में आकर कैसा लगा? तो बहुत बढ़िया लगा, जो इतना सम्मान दिया है अपने उत्तराखंड प्रदेश वालों ने, मैं कभी नहीं भूलूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा पल था, जो आपने जहाँ पर बुला के मुझको इतना सम्मान दिया। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, किसी को भी जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे तो उसको मैं बोलूँगा, जो जे कहाँ जहाँ जो भी हमारे पंजाब के आपके उस स्टेट में रहते हैं उसको भी बोलूँगा भी जेल जो यहाँ पे लटके रहते हैं, बहुत अपनी
जिम्मेवारी से रहते हैं, प्रशासन से रहते हैं, किसी का कोई किसी का नाम नहीं, अपने मस्ती में रहते हैं। सो मैं सभी को बोलता हूँ भी जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं बड़े दिल के साफ होते हैं, इनका मन कोई बेईमान नहीं होता। जहाँ आते हैं हमारे पढ़ के जाते हैं। आज तक 2 साल हो गए मुझको सरपंची का, एक भी शिकायत नहीं आई इनकी। ये प्यार करने वाले होते हैं लोग। सभी लड़कों को बोलना चाहूँगा, किसी को भी मेरी मदद की लोड़ पड़ती है, हर टाइम मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे, आप कभी भी आओ, आपका वेलकम होगा। और दोस्तों, ये हमारा भैया है, सबसे पहले तो ये हम लोग का आज का ये ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तागिन ओबिन है, कोस्ट कॉलेज से। आज के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। आज का प्रोग्राम ये लगभग 3 दिन पहले से ही प्रिपरेशन किया था, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि कम बजट था और कम समय था ना, इसीलिए जितना हो सके करके देखा है। और हमने सरपंच को भी बुलाया था यहाँ पे, और सरपंच ने तो 4 चांद लगा दिया इस प्रोग्राम को, तो वही है। और सभी को आने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं दो कॉलेज से मिल के। और दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किए थे और चीफ गेस्ट लोग स्पीचेस पूरा उन लोग दिया है। उसके बाद अभी हम लोग का इवेंट बचा है गेम एंड स्पोर्ट, वहाँ में अभी फुटबॉल होंगे और वॉलीबॉल है, फुटबॉल और वॉलीबॉल। उसके बाद आज का हम लोग का प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा। हम लोग कौन सा जगह में आज अपना स्टेट बहुत दिन मनाया है, हम लोग खेती के अंदर में बहुत ही सुंदर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ में खेती है, हम लोग खेती के अंदर में हम लोग मनाया है। अभी हम लोग गेम रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना हॉस्टल चला जाएंगे। लेकिन आज बहुत ही मज़ा आ रहा है, हम लोग अपना स्टेट हुए को आउट स्टेट में पढ़ते हुए भी हम लोग मना सक रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मेरे दोस्त लोग पूरा आगे जा चुका है, अभी उन लोग हमको पहुंचना है। औरत गैस, अभी हम अपना सीनियर का मिल गया है, मेरा ये पुराना सीनियर है, हम जहाँ में पोल्ट्री नहीं पढ़ा था वहाँ का सीनियर है, अभी भी यहाँ में भी सीनियर है, सीनियर बनते जा रहा है। और ये आपको बताएंगे कि हम लोग स्थित हुए क्यों मनाता है, किस लिए मनाता है, स्थित हुए के बारे में ये सीनियर जो बताएंगे। सबसे पहले तो अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम है ताकम राणा, और हम लोग जो है स्टेचू डे इसीलिए मनाता है क्योंकि आज का दिन को है हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश बोल के जो नाम दिया गया था, वो आज का दिन में हम लोग को डिक्लेयर किया गया था एक फुल फ्लेज्ड स्टेट ना, तो इसीलिए हम लोग आज का दिन में देर इज 20th फरवरी को हर साल हम लोग स्टेचू डे मनाते हैं। और मनाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत एक शुभ अवसर है ना, क्योंकि आज का दिन को हम लोग को एक स्टेट घोषित किया गया है। और उससे पहले तो हम लोग को नेफा बोलता था, देर इज़ AK नोटिस पॉइंटर एजेंसी, तो उसका अंदर में तो असम अरुणाचल सारा मिक्स था ना, तो इसीलिए जब हम लोग को अरुणाचल घोषित किया गया है तो उसके कारण से हमने कि आज के दिन देर इज 20th फरवरी को हर साल धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू सो मच बताने के लिए। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, अभी हम लोग को स्पोर्ट अभी खेलना है, हम लोग सबसे पहले हम लोग फुटबॉल ही खेलेंगे ना। अभी तो हम लोग का सबसे पहले तो वॉलीबॉल ये होगा, मैच होगा, हाँ, उसके बाद में फुटबॉल मैच होगा, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट उसके बाद हमारा ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद फिर लास्ट को कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह, फिर पार्टी डांस करेंगे। हाँ, पार्टी डांस भी होगा, डीजे भी होगा, एकदम सब हमको एंजॉय होगा, डीजे है, इसलिए आप लोग ब्लॉग पर बने रहेगा, ब्लॉग को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आज थोड़ा हम लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। फाइनली हम लोग आ गया है लोकेशन पे, आज हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे वॉलीबॉल होगा, वहाँ पर फुटबॉल होगा। से यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आदमी लोग आधा नहीं आया है, आधा यहाँ में आ चुका है, यहाँ में 60% आ चुका है, 30% आना बाकी है, उन लोग आते ही हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनली स्टार्ट हो गया है गेम्स, जो अभी वहाँ में मेरे दोस्त लोग खेल रहे हैं। ये अपना ग्रुप है हॉस्टल, और वहाँ पे सीनियर लोग है, यहाँ में जूनियर है, ऑडियंस काफ़ी।
आप अभी खेलने जा रहे हैं, आपको कैसे फील हो रहा है? एकदम बढ़िया, अभी हम खेलने जा रहे हैं, हम लोग का टीम जो हम खेलेंगे, तो आप एंजॉय कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अभी हम लोग का वॉलीबॉल खत्म हो गया है, अभी हम लोग को फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल खेलने के बाद हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। फाइनली अभी फुटबॉल जो स्टार्ट हो रहा है, ऑडियंस यहाँ पे बढ़ती है, ग्राउंड तो लेकिन बढ़िया है ना, ऑडियंस यहाँ पे पूरा बढ़ती है। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम 6 PM हो चुका है, हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट पूरा खत्म हो गया है। ये मेरे दोस्त, कैसे लगा आज का इवेंट? दिन इवेंट तो बहुत मज़ा था, अच्छा था। उसके बाद हम लोग फुटबॉल और वॉलीबॉल खेला था, दोनों को हार गया लेकिन बहुत बढ़िया था। हम लोग का ये फर्स्ट टाइम था, मतलब सबका ये कॉम्बिनेशन इतना ये नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम में तो हम लोग जरूर जीतेंगे ना। बढ़िया दोस्त, नेक्स्ट टाइम में तो हम लोग उन लोग को अभी पानी बजा देंगे। गाइस मेरा बिक्री खत्म हो गया है कैमरा का, अभी हम लोग का इवेंट का अभी मतलब सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीजे नाइट, हम लोग का डीजे नाइट होगा आज राम, लेकिन हम वो सब प्रोसेस नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा कैमरा का बैटरी खत्म हो गया है, अभी सिर्फ 10% है एंड मेरा वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया है। इसलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पर, एंड देन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, अपना दोस्तों का शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अच्छे से बैठिए।